लगे हैं। अभी शकरकंदी वाले जो तवे पे शकर काट के लगा लें, आप घर में भी बना सकते हैं। टेस्ट इनका ऐसे होगा जैसे आपने कोयलों में भुनी हुई है। ठीक है, ठीक हो गया। देखें यहाँ पे भी रख दें, ठीक हो गया। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। यार मैंने पता है बेरोजगारी की चीज है, पता है, इसलिए मैं पेट रहे थे खलो के भी काम कर लो, काम कर लो। मैं इन चीजें चो लंघिया हुआ, मैंने पता है सब। मैं इसलिए तो कह रहे हैं फूड स्ट्रीट को लेकर के, ढाबा स्टाइल को लेकर के, शकरकंदियां किस तरीके से आप उसको भून के जो है ना सेल कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वालों मेरे भाइयों तवज्जो से देखिएगा। शकरकंदी ले ली मैंने 1 किलो आपको बताने के लिए, और ये जो है ना इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया पहले, ठीक हो गया। इसके ऊपर से सफाई वगैरह कर दें, इस तरह इसको दोनों साइडों से काट लें इस तरीके से, ठीक हो गया। इतने रखते रहो, इसके साथ का एक तवा ले लो, ये नाल दा गल समझ आ रही है मेरी। चलो जी हाँ, ये साफ होगी साहब। अब आपने क्या करना है, इसके साथ का एक तवा ले लेना है, और तवा लेके नीचे तो वो एक अंगीठी लेते हैं, कोयले नीचे जल रहे होते हैं, इसके ऊपर भरा हुआ होता है तवा। वो गल समझ आ रही है आपको, मैं समझा रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ। ये सरसों का तेल, कुकिंग ऑयल लगा, अगर नहीं है आपके पास सरसों का तेल तो कुकिंग ऑयल लगा लें, लेकिन सरसों का तेल लगाएंगे रिजल्ट अच्छा आएगा। इसको ब्रश की मदद से इस तरीके से लगा दें, कोई मसला नहीं है। तमाम शकरकंदियों को इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ये देखें इस तरीके से, इसको भी लगा दें इस तरीके से। तवे को पहले मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, थोड़ा सा लिया, तवे के ऊपर भी डाल दें इस तरीके से, हल्का हल्का सा, बस इसको बहुत नहीं पाना, ठीक हो गया। इसको फैला दें थोड़ा सा इस तरह। अब तवे को गर्म करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको दम वाले फ्लेम पे ले आना है हमने, ठीक हो गया। दम वाले फ्लेम पे ला के इनको ऐसे रखें, ऐसे इस तरीके से सेट कर दें इनको, जिस तरीके से आप ये सेटिंग बने ऐसे, ठीक हो गया। ऊपर से इसको कवर दे दें, ठीक है। 20 मिनट के लिए हम इसको कवर देने लगे हैं, 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको मिलूंगा इनकी साइडें चेंज करने के लिए, ठीक है। 20 मिनट ऐसे बीच पौनती रहेगी। ये लें जी, 20 मिनट के बाद इसका कवर उठाने लगे हैं। अभी शकरकंदी वाले जो तवे पे शकरकंदी को भून के लगाते हैं वो करते इस तरीके से हैं, वो इसको ऊपर से कवर नहीं करते। वो शकरकंदियां काफी सारियां उत्ते रख लेते हैं, वो थल्ले वालियां जड़ियां ने, वो स्टीम होंदियां रहंदियां ने, वो काट के बेचते रहते हैं, उत्तों फिर थल्ले आंदियां रहंदियां ने। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ज्यादा शकरकंदियों से तवा भरते हैं, नीचे वाली ऑटोमेटिक होती रहेंगी। इनकी साइडें चेंज करने लगे हैं इस तरीके से, इस तरीके से ये साइडें चेंज कर दें और फिर इनको कवर लगा देंगे हम 20 मिनट के लिए। बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है और बहुत प्यारी ये भुनने शुरू हो गई है, ठीक हो गया। इस तरीके से फ्लेम स्लो ही रहेगा, दम वाले फ्लेम पे ही हो रहा है सारा काम, ठीक हो गया। ये नवर 20 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दिया कंप्लीट। ये इंशाल्लाह हमारे जो है ना मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुकी होंगी। ये देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये देखें, ये देखें। अगर मैं आपको इससे दिखा सकूं, ये देखें, ये देखें, ठीक गल समझ आ रही है। ऐ देखो, अगर इंज बखा सका, ऐ देखो, ये देखो मुकम्मल तौर पे ये हो चुके हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इसको छील के डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये लो जी, हीट निकल गई है, लेकिन ये अभी भी गर्म है, ठीक है। इस तरीके से इनका ऊपर से छिलका उतर जाएगा आराम से, इस तरीके से मैं इनके छिलका उतार लूं, देखें बहुत प्यारी खुशबू आएगी इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ये सारी छील ली हैं, इनको इस तरीके से काट लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, ये देखें ये सारी मैं इस तरीके से काट लूं, फिर यहाँ पे रख दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। चलें इस तरीके से इनको काट के लगा लें, आप घर में भी बना सकते हैं। टेस्ट इनका ऐसे होगा जैसे आपने कोयलों पे भुनी हुई है, ठीक है। ये राख दे वे जड़े बंदे भुनते हैं, ठीक हो गया। थोड़ा सा चाट मसाला इस तरीके से ऊपर डाल दें, ये इसके साथ के लीमू ले लें या खट्टा माल्टा जो मार्केट में आता है, खट्टा माल्टा इस पर डाला जाता है इस तरीके से, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे भी रख दें एक, और एक इस तरीके से इसको ऊपर भी आप डाल सकते हैं, ठीक हो गया।
अगर आपको हमारी ये भुनी हुई शकरकंदी की रेसिपी अच्छी लगी हो और हमारा ये मिशन अच्छा लगा हो, बेरोजगारी के खात्मे को लेकर के जो हमने शुरू किया हुआ है, स्ट्रीट फूड को लेकर के जो शुरू किया हुआ है, मजदूर तबके को लेकर के जो शुरू किया है, मेहनत कश को जो लेकर शुरू किया हुआ है मेरे भाइयों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।